हेलो एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं ऑप्शंस कैसे यहाँ पर दिखते हैं और ऑप्शंस को कैसे खरीदा जाए, क्या एग्जैक्टली ऑप्शन के पीछे जो फंडामेंटल है, कैसे प्रीमियम्स बढ़ती है कैसे घटती है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं वन बाय वन। आप लोग देख रहे हैं द ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये मैं पैनल अपना लाइव लेके चल रहा हूँ, एंजल का पैनल है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई सा भी सॉफ्टवेयर चूज कर सकते हैं, कोई सा भी ब्रोकर आप लोग ले सकते हैं। सब जगह बेसिक कॉन्सेप्ट वही है, कोई ऐसा चीज चेंज नहीं है। माइन्यूट से डिमांड एंड सप्लाई और जो रेट के फैचिंग का जो अंतर होगा वो होगा, और वो भी बस कुछ सेकेंड्स का होगा। इससे ज्यादा का कोई वेरिएशन आप लोगों को ब्रोकर टू ब्रोकर आएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए, ये पूरा पैनल है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑप्शंस में देखा था कि ऑप्शंस कितने टाइप के होते हैं। भाई इंडिया के अंदर अगर देखा जाए या पूरे वर्ल्ड के अंदर की बात किया जाए तो ऑप्शंस मेनली जो लीगल या सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट है वो है केवल दो। पहला आ जाता है आपका अमेरिकन ऑप्शंस, दूसरा आ जाता है आपका यूरोपियन ऑप्शंस। अमेरिकन ऑप्शंस यानी जो एक्सपायरी के पहले कभी भी एक्सरसाइज हो सकते हैं जैसे कि स्टॉक्स के अंदर, और यूरोपियन ऑप्शंस एक्सरसाइज अपनी एक्सपायरी डेट के दिन ही होते हैं, दैट मीन्स इंडेक्स ऑप्शंस। ऐसे ही मार्केट के अंदर 183 स्टॉक्स जिनके अंदर ऑप्शंस एंड फ्यूचर अवेलेबल है, और एनएससी के अंदर 4 इंडेक्सेस और बीएससी में अभी हाल फिलहाल 2 इंडेक्सेस आप लोगों को ब्रोकर प्रोवाइड करा रहा है जो कि यूरोपियन ऑप्शंस पे बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कैसे दिखता है। अब इन ऑप्शंस के अंदर जो मेजर जो एलिमेंट है वो इसका जो है ऑप्शन चेन, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इस पूरी ऑप्शन चेन को समझना, क्योंकि ऑप्शन चेन बहुत सारी प्रीमियम्स, बहुत सारे फ्यूचर प्राइजेस और प्रिडिक्शन का एक पिटारे टाइप का है। यहाँ पर आप लोगों को कैलकुलेट करके अपने मूव्स को कैप्चर करना होता है या अपने बाजार की रिदम्स को पकड़ना होता है। तो हम लोग वन बाय वन पहले हम लोग देखते हैं कि ऑप्शंस किन 5 बेसिक आधारों पे टिका हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ऑप्शंस के अंदर 5 बेसिक एलिमेंट है जिसपे ऑप्शंस प्योरली काम करता है, ठीक है। पहला एलिमेंट की अगर मैं बात करूंगा तो पहला एलिमेंट आ जाता है मेरा स्पॉट प्राइस। अगर ऑप्शन को आप लोगों को प्रॉपरली समझना है तो स्पॉट प्राइस को आप लोगों को मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि डेरिवेटिव है और डेरिवेटिव्स में प्रीमियम्स स्पॉट प्राइस से ही डिराइव्ड होती है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्पॉट। दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है स्ट्राइक प्राइस। ये स्पॉट प्राइस के बाद सबसे मेन एलिमेंट आता है, क्योंकि आप जब किसी फ्यूचर को बाय करोगे या किसी फ्यूचर प्राइस को बाय करोगे तो यहाँ पर हर अलग अलग स्ट्राइक्स पे उसको बाय कर सकते हो, यानी अनुमानित भाव है ये, ठीक है। अनुमान लगाते, क्योंकि ऑप्शन एक पूरा प्रेडिक्शन और प्रोबेबिलिटी टूल है जहां पर आप अनुमान लगाते हैं कि भाई निफ्टी 22,500 के ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, तो 22,500 एक स्ट्राइक हो गया। निफ्टी 22,400 के ऊपर जाएगी नहीं जाएगी, ये उसका स्ट्राइक हो गया। या निफ्टी 22,200 के नीचे जाएगी या नहीं जाएगी, ये उसका स्ट्राइक हो गया। तो ऐसे हर डिफरेंस डिफरेंस पर आप लोग को स्ट्राइक्स मिलेंगे, उन स्ट्राइक्स को खरीदा जाता है और उन्हीं स्ट्राइक्स को बेचा जाता है। यहाँ पर हम लोग स्पॉट को देखकर अपने स्ट्राइक्स को चूज करते हैं कि स्पॉट को देख के हम लोग स्ट्राइक को चूज करते हैं कि कौन सा फ्यूचर हमको खरीदना चाहिए या कौन सा फ्यूचर हमको बेचना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज स्पॉट। स्पॉट को देखकर स्ट्राइक प्राइस को आपको बाय या सेल करना है। थर्ड वन इज जो आता है वो आता है ऑप्शन टाइप, ठीक है। अपने इंडिया के अंदर 2 टाइप के ऑप्शंस आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको एलैबोरेट कर रहा हूँ। एक हो जाता है कॉल, एक हो जाता है पुट, ठीक है। कॉल रिप्रेजेंट करता है बुलिश मार्केट को, कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक को खरीद रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर भाव के आगे हमारा बाजार मूव करे तो हमें कॉल साइड पर जाना चाहिए, या फिर हमें बेरिश मार्केट को प्रेडिक्ट करना है, हमको लग रहा है कि निफ्टी 20 अपना 22,200 के नीचे जा सकता है तो हमें पुट साइड पर जाना चाहिए। यानी स्पॉट को देखकर स्ट्राइक, स्ट्राइक को खरीदने और बेचने के लिए कॉल और पुट, ये 2 ऑप्शंस हैं। अब कॉल एंड पुट क्या है? कॉल एंड पुट एक टाइप का प्रीमियम है, ठीक है। कॉल एंड पुट एक टाइप का प्रीमियम अमाउंट है, या फिर इसको मैं बोल दीजिए इट इज अ टोकन अमाउंट। हम जैसे इंश्योरेंस खरीदते हैं 5 लाख का, तो 5 लाख पूरा नहीं दे देते हैं, हम लोग उस 5 लाख के बदले एक छोटा सा प्रीमियम देते हैं और हमको
5,000 रुपए के बदले 5,00,000 रुपए के इंश्योरेंस मिल जाते हैं। ये हमारा ऑप्शन हो गया, यहाँ पर 5,000 रुपए हमारी प्रीमियम हो गई और हमारा 5,00,000 हो गया हमारा स्ट्राइक। और जो मार्केट में जो उसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है घट रही है वो है स्पॉट प्राइस, ठीक है। तो बेसिकली इंश्योरेंस की तरह ही ऑप्शन पूरा टूल है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीमियम। आप प्रीमियम कॉल के प्रीमियम्स को खरीद बेच सकते हैं, पुट के प्रीमियम्स को खरीद और बेच सकते हैं। इसको हम लोग पूरा एलेबरेट करेंगे कैसे वर्क करता है। आखिरी एलिमेंट जो है वो है वोलेटिलिटी। वोलेटिलिटी का मतलब है मोमेंटम। अगर मार्केट में मोमेंटम आया तो प्रीमियम्स बढ़ेगी घटेगी और आपको पर्टिकुलर स्ट्राइक के ऊपर और नीचे आपका स्पॉट जाएगा तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होगा, ठीक है। तो ये 5 सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक एलिमेंट है पूरे ऑप्शन के अंदर। स्पॉट प्राइस को देखकर आप स्ट्राइक को खरीदते हैं, खरीदने के लिए आप लोगों को चाहिए कॉल या पुट का ऑप्शन। उस कॉल और पुट और ऑप्शन के लिए आपको देना पड़ती है प्रीमियम, दैट इज अ टोकन मनी, और ये टोकन मनी मूव करती है अकॉर्डिंग टू वॉलेटिलिटी। और वॉलेटिलिटी कहाँ आना चाहिए? वॉलेटिलिटी आना चाहिए आपके स्पॉट मार्केट में, क्योंकि ये ऑप्शन एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है अंडरलाइन असेट वैल्यूएशन में अगर कुछ चेंज होगा तो उसका इंपैक्ट सीधे डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट पर पड़ेगा। यानी स्पॉट मार्केट में एनएससी और बीएससी के शेयर्स में चेंजेस हुआ या निफ्टी के स्पॉट प्राइजेस में चेंजेस हुआ तो आपके यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बढ़ते घटते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस की प्रीमियम भी बढ़ती और घटती है क्योंकि फ्यूचर भी कॉन्ट्रैक्ट है ऑप्शन भी कॉन्ट्रैक्ट है, बोथ आर डिराइव्ड फ्रॉम स्पॉट मार्केट। यानी 4,500 शेयर बीएससी के और आपके 2,250 शेयर्स आप लोगों के एनएससी के, ये स्पॉट मार्केट कहलाता है। और इन्हीं स्पॉट में से कुछ लिमिटेड कंपनीज को डिराइव्ड मार्केट में छोड़ा गया है उनके कॉन्ट्रैक्ट बनाकर, ताकि लोग उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट कर सकें या फिर लोग उसको एक ट्रेडिंग टूल्स या इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज कर सके अपने अर्निंग पर्पस के लिए या हेजिंग पर्पस के लिए। दिस इज व्हाई फ्यूचर एंड ऑप्शन केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इस चीज को हम लोग आजकल थोड़ा सा एक अर्निंग सोर्स बना लिया है। बात सही है, कोई इश्यू नहीं है, अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर अर्निंग सोर्स बनाया जा सकता है, बट लिमिटेशंस के साथ में। सबसे पहले आप लोगों को आपका स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्कीएस्ट इंस्ट्रूमेंट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, क्योंकि इसके अंदर क्वांटिटी बहुत हैवी होती है और कम से कम पैसों में जब हम लोग बड़ी क्वांटिटी ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमारा छोटा जो अमाउंट हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट या फिर हम लोगों ने ट्रेड में डाला है वो सडनली वाइप आउट हो सकता है। सो दिस इज लाइक सबसे ज्यादा रिस्क होता है और प्रॉफिट भी सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये बेसिक एलिमेंट है ऑप्शन के अंदर, 5 बेसिक एलिमेंट है आप लोगों को ध्यान देना है। स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन टाइप, कॉल, पुट, प्रीमियम और वॉलेटिलिटी। इन 5 स्तंभों पर पूरा ऑप्शन टिका हुआ है। इन्हीं 5ों को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग लेके जाएंगे कि कैसे स्पॉट चेंज होता है तो कैसे प्रीमियम चेंज होती है, कैसे आपके स्ट्राइक्स के बदले आप लोग अपने प्रीमियम्स को जो है बाय और सेल कर सकते हैं, क्या एग्जैक्टली ऑप्शन टाइप होता है, क्या होता है कॉल, क्या होता है पुट। ये सारी चीजों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज इतना ही, हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसी के साथ में लाइनअप है, तो सारी सीरीज को आप लोग देखिए, ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और ऐसे मजेदार ज्ञान और नॉलेज आप लोगों के लिए मैं हमेशा लाता रहूंगा। बट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद।